श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूर्या का भारत से है पुराना कनेक्शन। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली हरिनी अमरसूर्या का भारत से एक खास रिश्ता है। उन्होंने अपने कॉलेज के शुरुआती साल दिल्ली विश्वविद्यालय में बिताए हैं। अमरसूर्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। आपको बता दें कि मंगलवार को श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभालने वाली हरिनी ने 1990 के दशक की शुरुआत में प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की थी। हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव ने कॉलेज की पुरानी छात्र पर गर्व जताते हुए कहा, हिंदू कॉलेज में छात्र सरकार की एक लंबी परंपरा है और हम हर साल एक प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता का चुनाव करते हैं। नलिन राजन सिंह, जो कि एक फेमस बॉलीवुड निर्देशक हैं, वो भी हरिनी के बैचमेट रह चुके हैं। उन्होंने अमरसूर्या के साथ अपने छात्र जीवन के दिनों को याद करते हुए बताया कि मुझे उनकी धुंधली याद है, लेकिन मुझे पता है कि वे कॉलेज के उत्सवों और वाद विवादों में बहुत शामिल रहती थी। यह 90 का दशक था और हम में से बहुत लोग इम्तियाज अली और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग अपनी पहचान बनाने लगे थे। उन्हें प्रधानमंत्री बनते देखना अद्भुत है। अमरसूर्या, जो 2000 में एस भंडारकर के बाद पीएम पद पर आसीन होने वाली पहली महिला भी हैं, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चली गईं। विदेश जाने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी की और कई बुक्स भी पब्लिश की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट पर आधारित हैं। आपको ये भी बता दें कि हरिनी एक एक्टिविस्ट भी हैं और उन्होंने जेंडर इक्वालिटी और एलजीबीटीक्यू राइट्स के साथ साथ एनिमल वेलफेयर पर भी काम किया है। हरिनी अमरसूर्या एस भंडारकर के निधन के बाद प्रधानमंत्री बनने वाली पहली और इस पद तक पहुंचने वाली तीसरी महिला नेता हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।